हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे गाइस। तो क्या आप भी मेरे तरह एक फेसबुक यूजर हो गाइस, और आपका भी जो फेसबुक अकाउंट है किसी कारण से लॉक हो चुका है, तो आप लोग उसको अनलॉक कैसे कर सकते हो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। गाइस, ज्यादातर अकाउंट लॉक होने के बाद उसमें कन्फर्म आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम आ जाता है गाइस, और इस कंडीशन में बहुत लोग सोचने लगते हैं मेरे पास तो कोई आईडी प्रूफ है ही नहीं, मैं आईडी कैसे कन्फर्म करूँ। तो गाइस, आप लोगों को मैं बताऊंगा एक ऐसा वर्किंग टिप्स जिससे आप लोग अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हो एंड अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ गाइस, तो वहाँ से मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं। एक दिन में गाइस 500 से मैसेज तो आ ही जाते होंगे, लेकिन गाइस 500 मैसेज मैं एक दिन में नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे इसके सिवाय दूसरा भी काम रहता है। तो जो नहीं देख पाता हूँ मैसेज गाइस, वो लोग गाली वगैरह देते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए गाइस, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो तभी कीजिए और मैसेज तभी कीजिए जब आपके पास टाइम हो। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट में जो कंफर्म आइडेंटिटी मांग रहा है उस ऑप्शन को चेंज कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में गाइस आप लोगों को सर्च करना फेसबुक रिपोर्ट इशू। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फेसबुक रिपोर्ट इशू, इस पे क्लिक करेंगे गाइस। जैसे ही गाइस वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को ऐसे नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है गाइस, नीचे की साइड में स्क्रॉल करते जाना है। एंड गाइस यहां पर आप लोग देखिए लिखा है रिपोर्ट प्रॉब्लम विथ लॉगिंग इन फेसबुक, इस पर क्लिक कर देना है गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर टाइप करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा गाइस। एंड आप लोगों को यहाँ पर जो अपना रिपोर्ट है, मतलब जो प्रॉब्लम है, आप लोगों को यहाँ पूरा डिटेल से लिख देना है। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ एंड आप लोगों को फिर बताऊंगा क्या क्या लिखा हुआ। तो गाइस आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन पूरा लिख दिया है एंड आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या क्या मैंने लिखा गाइस। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, अगर आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पर। देखो गाइस, हेलो डियर फेसबुक टीम, माई अकाउंट हैज बीन लॉक, इट हैज प्रॉब्लम रिगार्डिंग कन्फर्म आईडेंटिटी, आई कांट अनलॉक माई अकाउंट, प्लीज हेल्प मी टू अनलॉक माई फेसबुक अकाउंट, अदरवाइज चेंज ऑप्शन गेट अ कोड बाई ईमेल और गेट अ कोड बाई फोन नंबर। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखिए अपने नेम डाल देना है, लॉक अकाउंट का ईमेल डाल देना है, और फोन नंबर और पासवर्ड, अगर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और जो आपके पास नहीं है गाइस उसके सामने NI लिख देना गाइस। और उसके बाद गाइस जो अकाउंट आपका लॉक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है चूज फाइल, कि जो आपका अकाउंट लॉक है उसे लॉक अकाउंट का फोटो डाल देना। तो मैं डाल दिया गाइस यहाँ पर लॉक अकाउंट का फोटो, यहाँ पर गाइस सेंड कर देना है आप लोगों को। तो गाइस ये जो हमारा रिपोर्ट है ये फेसबुक टीम के पास चला गया गाइस, ये हमारा जो ऑप्शन है अब 10 से 15 दिन में चेंज हो जाएगा गाइस। तो गाइस आप लोग भी इसी तरह से अपना ऑप्शन चेंज कर लेना गाइस, और हाँ गाइस आप लोग 10 से 15 दिन अपने अकाउंट को लॉग आउट करके रखना गाइस, और किसी को एक्सेस मत देना गाइस। और गाइस मैं लास्ट में आप लोगों से यही बात बोलूंगा गाइस कि आप लोग किसी दूसरे स्टेप को अप्लाई मत करना अगर आप लोग एक स्टेप को पहले अप्लाई कर चुके हो गाइस। मतलब गाइस मेरे कहने का प्रोसेस है कि आप लोग एक ही स्टेप को अप्लाई करना। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, तो कंजूसी मत करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बार को सेट कर लो। तो चलिए गाइस यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं।